हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका एक नया रिक्रूटमेंट जो कि RRB NTPC रिक्रूटमेंट 2023 में एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। जो भी कैंडिडेट अभी तक के लिए एप्लीकेशन नहीं कर चुके उनके लिए यहाँ पे एक एक करके जानकारी दूंगा, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। RRB NTPC रिक्रूटमेंट 2023 में 12,000 वैकेंसीज लेके आया है, जिसमें 12th एंड 10th पास करने वाले एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट 11 दिसंबर 2023 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। इस बार की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जो पब्लिश हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको पता होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। चलिए देख लेते क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, NTPC के कैटेगरीज़ के अंदर जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है वह है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, टेंट क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स क्लर्क, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। बहुत सारे वैकेंसीज इस तरह से जो है रिक्रूटमेंट किया जाएगा, जिसके अंदर RRB NTPC की तरफ से ओवरव्यू दिया गया है। पहले तो यहाँ पे ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए अपडेट दिया गया है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन फीस फॉर द कैंडिडेट इज़ 500 रुपीज़ फॉर जेनरल एंड OBC। बाकी कैंडिडेट जैसे कि वुमेन, SC ST, PWD एंड एक्स सर्विस मैन के लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको जो है देने के लिए आपको क्या करना होगा और किस तरह से एप्लीकेशन करना हो आप लोगों को मैं बताऊँगा। RRB NTPC के लिए एप्लीकेशन करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है 10th पास और 12th पास। एप्लीकेशन ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है NTPC की तरफ से। ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की अपडेट जो पब्लिश हुआ है, जहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन की अपडेट दिया गया है, जिसके अंदर क्लियरली कुछ कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे कि कैंडिडेट एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन में कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना होगा, जो कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, फादर नेम, मदर नेम, क्लास 10th के डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ देख के आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, जो कि ऑफिशियल लिंक दिया गया है। और यहाँ पे एप्लीकेशन आपको करने के साथ साथ जो एग्ज़ाम है वो ऑल ओवर इंडिया में होने वाला है, एंड एग्ज़ाम सेंटर हर एक लैंग्वेज की स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में होने वाला है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो मैंने आप लोगों को डिटेल बता दिया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है RRB की, जैसे कि गुवाहाटी, बिलासपुर, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कोलकाता, अलाहाबाद, इस तरह से हर एक स्टेट के जहाँ जहाँ पे जो डिवीजन वाइज ऑफिशियल रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन के लिंक है, उस लिंक पे जाके भी आप लोग आपका एप्लीकेशन भेज सकते हो। दोस्तों, और एक बात बताऊँगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस CVT टेस्ट के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है डेफिनेटली अभी के अभी जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से कोई नया रिक्रूटमेंट लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा।